हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, गुड मॉर्निंग। और मेरा जो नहाना धोना है वो हो चुका है, घर की क्लीनिंग वगैरह सब हो चुकी है। तो मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, पूजा वगैरह कर ली है और मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट। ये ना आलू रखे थे बॉईल हुए, तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए ब्रेड पकौड़े बना देती हूँ, फिर आलू वैसे ही ख़राब जाएंगे। तो कल रात को रखे थे ये उबले हुए आलू। जब भी मैं आलू उबालती हूँ ना, थोड़े से एक्स्ट्रा ही उबाल लेती हूँ, तो फिर बाद में काम आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड पे पहले सॉस लगा दिया था, उसके बाद फिर जो आलू की मैंने फिलिंग बनाई थी, कसूरी मेथी डालकर, हरी मिर्ची डालकर और मिर्ची पाउडर वगैरह, नमक वगैरह सब मिक्स करके उसके बाद मैंने इनको ब्रेड में फिल कर दिया था। तो यहाँ पर जो है मैंने ऑयल रखा हुआ है गर्म होने के लिए, और जो ब्रेड को मैंने फिल किया था उनको मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि ब्रेड पकोड़े की शेप में लाना है उनको। तो यहाँ पर जो है तेल गर्म हो चुका था, तो मैं चेक कर रही थी थोड़ा सा ब्रेड डालकर, तो आप देख सकते हैं तेल ना गर्म हो गया अच्छे से। तो मैं इनके ब्रेड पकोड़े फ्राई करूँगी। तो बस यहाँ पर जो है बच्चे बैठे हुए नाश्ता करने के लिए, नहाना धोना उनका भी हो चुका है, तो मैंने सोचा कि इनको भी नाश्ता दे देती हूँ। तो देख सकते हैं आप कितने अच्छे बने हैं ब्रेड पकोड़े। तो आप लोग भी आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए गर्मा गर्म पकोड़े चाय के साथ। बेशक से गर्मी हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमें हमेशा ही अच्छी लगती हैं ब्रेड पकोड़े और चाय के साथ। बेशक से कितनी गर्मी हो, कितना ही कुछ हो, लेकिन यहाँ पर जो है कोल्ड ड्रिंक के साथ भी हम लोग कभी कभी ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ये ब्रेड पकोड़े सिक चुके हैं अच्छे से, लो फ्लेम पे मैंने इनको पका लिया था, और अब मैं देने जा रही हूँ बच्चों को। तो बच्चे चाय नहीं पीते हैं, उनको दूध देती हूँ। तो यहाँ पर जो है ये देखिए दे दिए हैं मैंने बच्चों को, और ये लास्ट के बचे थे ना जो, तो उनको मैंने ऐसे स्क्वायर में कट करके फ्राई कर लिया था, क्योंकि बेसन कम बच गया था। तो बस यहाँ पर जो है हम बन चुके हैं हमारे ब्रेड पकोड़े। तो अभी हो रहा है दोपहर का लंच का टाइम, तो सारा काम ख़त्म करने के बाद, किचन वगैरह क्लीन करने के बाद, फिर मैं बनाने स्टार्ट कर दिए थे छोले, जो कि मैंने रात को उबाल कर रखे हुए थे। तो उसी के मैंने प्याज भून रखे हैं, और ये टमाटर का पेस्ट बना रखा है मैंने, इसी में ही आज खड़े गरम मसाले जो होते हैं ना, वो मैंने इसी में पीस लिए हैं, क्योंकि बच्चों के मुंह में आते हैं ना फिर अच्छे नहीं लगते हैं बच्चों को भी। और ये हैं छोले, जिसमें मैंने चाय की पत्ती के साथ जिनको उबाला है, थोड़ा सा चाय की पत्ती का पानी डाल देते हैं, तो इनका कलर थोड़ा सा ऐसा हो गया है। बहुत ही टेस्टी बने थे छोले, और काफ़ी अच्छे से उबल भी रखे हैं। तो कुकर में मैंने उबाल लिया है, किचन थोड़ी सी मैसी है, खाना बनाते टाइम हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने प्याज को अच्छे से भून लिया था, और प्याज जब मुझे सब्जी का कलर थोड़ा सा डार्क चाहिए होता है ना, तो मैं प्याज को कुछ ज़्यादा ही भून लेती हूँ, तो उससे प्याज काफ़ी जो है फ़र्क पड़ता है हमारी सब्जी के कलर में। तो यहाँ पर मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाल दी है, और टमाटर का जो पेस्ट बनाया था मैंने वो भी डाल दिया है, तीन चार हरी मिर्ची उसमें पीस रखी थी तो वो भी डाल दी है, और इन सबको मिक्स कर दिया है, हल्दी डाल दी है। तो यहाँ पर इन सबको मिक्स कर दूंगी और पकाऊंगी, जब तक कि मसाले में ऑयल नहीं आना स्टार्ट हो जाता है जब तक पकाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जी का कलर काफ़ी अच्छा आया है इन मसालों का, सॉरी सब्जी का नहीं, मसालों का कलर काफ़ी अच्छा आया है। और मैंने इसमें कोई कलर, फूड कलर वगैरह नहीं डाला है, बस आप प्याज को थोड़ा सा ज़्यादा भून लीजिए तो आपकी सब्जी का कलर भी अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पर छोले मैंने डाल दिए, क्योंकि ऑयल आ गया था ऊपर मसाले को भूनते भूनते, आप देख सकते हैं। तो मैं छोले सारे इसमें डाल दूँगी, तो छोले काफ़ी अच्छे से मिक्स हुए थे, और काफ़ी अच्छे मोटे मोटे हैं छोले ना, उबल कर ये अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया, और अभी भी मैं इसको 5-7 मिनट पकाऊंगी। तो ये देखिए अभी ये पकेंगे, और दूसरी गैस पे मैंने कुकर में चावल भी रख दिए हैं बनने के लिए। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ बेडशीट वगैरह ठीक करने, और जो कपड़े मैंने वॉश किए थे, तो मैंने सोचा सब्जी खाना वगैरह तो बन ही चुका है, छोले बन रहे हैं और चावल बनने रख दिए थे गैस पर, तो मैंने सोचा कि कपड़े उतार कर मैं तेल लगाने लग गई थी, क्योंकि धूप काफ़ी हो जाती है ना, फिर कपड़े धूप में ख़राब होने का डर लगता है। तो मैंने इनको उतार लिया था, सारे सूख गए थे, काफ़ी तेज़ धूप आई हुई थी, तो मैंने सारे सूखे हुए कपड़े उतार कर फिर तेल लगाने स्टार्ट कर दिए थे। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े तेल लगा रही हूँ, बच्चों के, अपने और इनके, और अपने कपड़ों पे प्रेस मैं जब पहनती हूँ तभी कर लेती हूँ, और इनके कपड़ों पर रख कर कर सॉरी प्रेस करके रखना पड़ता है, क्योंकि कब ऑफ़िस जाना होता है, कुछ टाइमिंग नहीं है आजकल ऑफ़िस की, आप सबको भी पता है, कभी चले जाते हैं कभी नहीं जाते हैं, तो ऐसा ही कुछ चल रहा है आजकल। तो यहाँ पर जो है मैं इनके कपड़े तय लगा कर रख रही हूँ, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं प्रेस कर लूँगी इन पर।
तो बस यहाँ पर जो है मैं रख लेती हूँ कपड़े सारे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और अभी मिल रही हूँ पूरे दिन से, शाम से मैं आपको। पता नहीं क्या अजीब से थोड़ी सी तबीयत सी या फिर बीपी लो गर्मी की वजह से हो रहा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर। तो मन ही नहीं करता कुछ काम करने का, बस मन करता है फ़ैन में बैठे रहो या फिर एसी चलाकर बैठ जाओ, लेकिन काम तो करने ही पड़ेंगे सारे। तो अभी अभी जस्ट मैंने शाम की झाड़ू वाड़ू लगा दी है, बर्तन क्लीन करे हैं चाय के और पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। फ़ैन में भी पसीने नहीं सूख रहे हैं, आप सोच सकते हैं कितनी गर्मी हो रही है। तो ये मौसम 2-3 दिन से हो रहा है यहाँ पर, लेकिन बारिश हो जाती है तब ठीक हो जाता है। तो बस अभी जो है मैं झाड़ू वाड़ू लगाई है मैंने अभी, और मैंने सोचा कि आप लोगों से बात कर लेती हूँ। काफ़ी देर हो गई है, बात नहीं करी है मॉर्निंग में। और मैंने दोपहर में बनाए थे छोले चावल, और छोले काफ़ी टेस्टी बने थे, बहुत ही टेस्टी बने थे। और आप लोग कैसे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग कमेंट करके नहीं बताते हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग कैसे हैं? मैं तो आपको बता देती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है, और मॉर्निंग में मैंने ब्रेड पकोड़े बनाए थे, बहुत ही अच्छे बने थे, टेस्टी बने थे। तो अभी मैंने बेडशीट वगैरह ठीक करी है, कपड़े तय लगा दिए थे दोपहर में ही। कपड़े तो मैंने दोपहर में ही लगा दिए थे, क्योंकि धूप आती है ना इतनी देर, तो जल्दी से सूख जाते हैं कपड़े, तो इसलिए दोपहर में ही लगा दिए थे अभी सिर्फ मैं। तो बस यहाँ पर जो हो रहा है, अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं करने वाली हूँ चेंज बेडशीट, क्योंकि मुझे बेडशीट धोनी है इस वाले बेड की, काफ़ी गंदी हो चुकी है। और ये कर दी है मैंने यहाँ पर बेडशीट चेंज, तो देख सकते हैं आप। और जो मैं नए पिल्लो कवर लाई थी ना, वो भी मैंने डाल दिए हैं, तो अच्छे लग रहे थे। वैसे तो इस बेडशीट के भी हैं पिल्लो कवर, लेकिन मेरा मन कर रहा था तो मैंने डाल दिया। तो और ये देखिए बच्चे, ये हमेशा मेरी वीडियो में आ जाते हैं, तो अच्छा लगता है जहाँ भी ये देखते हैं ना कि मैंने कैमरे को, सॉरी मैंने फ़ोन को स्टैंड पर लगाया हुआ है, तो उसमें झाँक झाँक कर देखते रहते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में, और यहाँ पर भी मैं बेडशीट ठीक कर दूँगी, क्योंकि बच्चे गए हैं अभी नीचे खेलने के लिए। तो जब बच्चे जाते हैं नीचे खेलने के, तभी मैं पूरा घर को ठीक कर देती हूँ, सेट करती हूँ, और फिर बच्चे आते हैं फिर ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ पर मेरी बेडशीट ठीक हो चुकी है, और जो कुशन कवर वगैरह हैं वो भी लगा दूँगी। और इस वाले बेडशीट की मैंने कल धोती थी, तो एक एक करके धोती हूँ बेड को, क्योंकि मशीन जो है ख़राब हो रखी है। तो बच्चे फिर से आ गए, तो ये पीछे पीछे घूमते रहते हैं ऐसे ही। हेलो एवरीवन, तो अभी जो है मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है, शाम का जो भी काम होता है बेडशीट वगैरह चेंज कर दिया मैंने। तो जब मुझे बेडशीट धोनी होती है ना नेक्स्ट डे, आप सोच के आज कम कर दो भाई। तो जब भी मुझे बेडशीट वगैरह धोनी होती है ना, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, शाम के टाइम उनको चेंज करके और मशीन में डाल देती हूँ, फिर नेक्स्ट डे धो लेती हूँ। क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग में वैसे भी आप सबको पता ही कितना काम होता है, तो इसलिए मैं बेडशीट वगैरह कुशन कवर वगैरह सब चेंज कर देती हूँ शाम के टाइम में। फिर सुबह मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है, फिर मैं सीधा मशीन लगाती हूँ और कपड़े वॉश करने लग जाती हूँ। तो अभी तो वैसे मेरी मशीन ख़राब हो रखी है, जो कि अभी तक नहीं आई है, हम लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर कराई हुई है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, टाइम लग रहा है आने में। बेटा ऐसे मत करो। तो फिर बच्चे यहीं पे खेल रहे हैं सब लोग, तो बार बार मेरी वीडियो में आते हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा मैं वीडियो ना क्लिप्स काट भी देती हूँ, क्योंकि आप लोग कहोगे कि बच्चों को दिखाते रहती हैं, तो इसलिए। लेकिन बच्चे यहीं पे खेलते हैं ना ज़्यादातर, जहाँ मैं जाती हूँ मेरे पीछे पीछे घूमते रहते हैं इधर उधर, तो इसलिए। तो ये देखिए अभी भी यहाँ पर खेल रहे हैं, बेटा ऐसे मत करो, तो अभी भी खेल रहे हैं। तो मैंने सोचा अपनी वीडियो की एंडिंग कर देती हूँ, और हम लोग जो है अभी शाम का खाना हो जाएगा, और रोटी सेकनी है वो बना लूँगी, और फिर मैंने सोचा कि अपनी वीडियो की एंडिंग कर देती हूँ, फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो बनानी स्टार्ट करूँगी कल मॉर्निंग से। तो बस यहीं पे कर देती हूँ मैं इस वीडियो का एंड। और मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पसंद आए तो मेरी वीडियो और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें प्लीज़। तो बस चलिए यहीं पे कर देती हूँ इस वीडियो का एंड, फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और सोफे का हाल दिखाती हूँ आपको, ये देखिए सोफे की हालत देखी आपने, मैं ठीक कर करके थक चुकी हूँ, कभी बेडशीट ठीक करने जाती, कभी सोफे कवर, कभी कुछ, तो पूरा दिन ऐसे ही रहता है बच्चों का। लेकिन ठीक है, बच्चों से ही घर होता है, बच्चे भी होंगे तो हम लोगों का टाइम पास कैसे होगा, तो चलता है। तो बस यहीं पे कर देती हूँ मैं इस वीडियो का एंड, फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, एडवांस में ही गुड नाइट।